बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान किया था, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र था। सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ था। दूसरा विभाजन बम्बई में 1918 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड कह सकते हैं, ठीक है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932। सर्वदलीय सम्मेलन 1928। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? 1928 में। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? 1928 में। पूर्ण स्वराज का संकल्प लाहौर में 1929 को। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 को। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 को हुआ था। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। इसी ने सती प्रथा का भी अंत किया था। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी और इसमें पावर भी मिला था, ठीक है, वाइसराय को। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कब की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी गवर्नर को। इंडियन काउंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861। इसी में सती प्रथा का भी अंत हुआ था। सूची बना, सूची टू को सम्मिलित करना है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो लाया था। लॉर्ड लिनलिथगो लाया था। अगस्त का प्रस्ताव घोषणा किसने किया था? लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने। 1917 वाला है अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू ने, लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने किया था। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव है, ठीक है। घोषणा मॉन्टेग्यू ने किया था तो लिथगो ने प्रस्ताव लाया था। अगस्त संकल्प गांधी जी से संबंधित है। अगस्त संकल्प जो गांधी जी से संबंधित है। ना देख रहा है, गांधी में भी ना है, तो संकल्प को समझे गांधी जी, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, और घोषणा किया था लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पारित किया गया था 1773 में पारित किया गया था। इसके द्वारा जो कंपनी का जो डायरेक्टर जो था, वो जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दस्तावेज था वो ब्रिटिश सरकार ने मंगा लिया था, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए 1773 के जरिए, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए जितना भी कंपनी का जो डायरेक्टर था वो जितना भी रिकॉर्ड था कंपनी संबंधित सब रिकॉर्ड मंगा लिया था ब्रिटेन के सरकार ने। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान की गई? गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता है? 1786 को अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 1786 को जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, गवर्नर जनरल को अधिकार मिला कि आप अपनी समिति के अधिकार को क्या कर सकते हैं? मना कर सकते। समिति का जो अधिकार है या समिति का जो निर्णय है उसे क्या कर सकते हैं? खंडित कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। समिति का जो निर्णय है अस्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। समिति का जो निर्णय है अस्वीकार कर सकते हैं जो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया था। 1786 के अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था 1786 के अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया था? भारत के गवर्नर जनरल को अधिकार मिला था कि वह अपनी समिति का जो निर्णय है उसे क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। 1786 अमेंडमेंट एक्ट के जरिए क्या मिला था? जो समिति का निर्णय है उसे अस्वीकार कर सकता था। अमेंडमेंट एक्ट 1786 का अमेंडमेंट एक्ट समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता था।
महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? 1858 को। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? 1858 को किया गया था महारानी विक्टोरिया को। ठीक है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश सू ने पूरा किया था? तो देशी रजवाड़ों को यथा स्थिति बनाए रखी थी। देशी रजवाड़ों को क्या किया था? देशी रजवाड़ों को यथा स्थिति बनाए रखी थी। ठीक है, देशी रजवाड़ों को क्या किया था? यथा स्थिति बनाए रखी थी। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट क्या है? अपनी समिति का जो निर्णय है उसे अस्वीकार कर सकता है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के जरिए क्या कर सकता है? अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता है गवर्नर जनरल। 1786 मिला था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट मिला था जो कंपनी का जितना भी डायरेक्टर था वो सारे रिकॉर्ड मंगा लिया था ब्रिटेन में। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो से संबंधित है। प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो से संबंधित है और घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू से संबंधित है। ठीक है, भारत इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया। ऑर्डिनेंस जारी करने का, ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया भारत के गवर्नर जनरल को 1861 के द्वारा। इसी में सती प्रथा का भी अंत हुआ था। ठीक है, 1861 में सर्वदलीय सम्मेलन 1928, सम्प्रदायिक अधिनियम 1932, रैमजे मैकडोनाल्ड पूर्ण स्वराज 1929, लाहौर स्वराज विभाजन 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई थी? नहीं। मॉडल मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन जो 1909 से संबंधित है। मॉडल मिंटो का सुधार का क्या उद्देश्य था? मॉडल मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन। मॉडल मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? 1909 को। पृथक निर्वाचन मॉडल मिंटो सुधार को किया गया था 1906 में मुस्लिम लीग जाके मिला था। ओके दोस्तों, 1909 मॉडल मिंटो के सुधार संबंधित है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ 1909 है मॉडल मिंटो सुधार। अतिरिक्त निर्वाचन मंडल, ठीक है, निर्वाचन मंडल के लिए था 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में बात किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का बात किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या है? प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या है प्रावधान? प्रांतों में दोहरा शासन। 1909 ठीक है। 1946 से कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी नहीं था, लॉर्ड पेंथिंग्स था, लॉर्ड सर स्टेफर्ड क्रिप्स था, ए बी एलेक्जेंडर था। इसको हम कैसे याद किए थे? लक कहे थे, ए ले के लक, ए ले के एल से लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर, के से क्रिप्स, ठीक है, लक कहे थे। कैबिनेट मिशन का 3 मंत्री था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए बी एलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए बी एलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स था। कैबिनेट मिशन के 3 मंत्रियों को गठित किया था, कौन इसके सदस्य नहीं था? एमरी नहीं था, पैथिक लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था, स्टेफर्ड क्रिप्स था, लक था, लक एल ए के एल ए के एल ए के था, ए से लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर, के से क्रिप्स, एल से लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर, के से क्रिप्स, लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिप्स था 1946 के। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है? देखिए, कैबिनेट मिशन में प्रांतीय प्रोविंशियल ग्रुपिंग का बात कहा था। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल के लिए भी राजी हुआ था। संविधान का निर्माण का अधिकार भी दिया गया था, हाँ दिया गया था। पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी उस समय कैबिनेट मिशन में, तो आंसर सी होगा। प्रोविंस भारतीय सदस्यों का अंतरिम मंत्रिमंडल बनेगा, भारतीय सदस्यों का, भारतीय सदस्य ही का उसका अंतरिम मंत्रिमंडल बनेगा। ठीक है, अंतरिम मंत्रिमंडल बनेगा
प्रोविंशियल ग्रुपिंग बनेगा, प्रोविंशियल का क्या बनेगा, ग्रुपिंग बनेगा, संविधान का निर्माण का अधिकार होगा, संविधान के निर्माण का अधिकार होगा, कैबिनेट मिशन में बोला गया था। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत में चलाया गया था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई, माउंटबेटन योजना के नाम से दी गई, कि सारा सत्ता अब सौंप दिया जाए भारतीयों के हाथ में, ठीक है, ये माउंटबेटन योजना कहलाए, कौन सम्मिलित नहीं है, साइमन कमीशन भारत विभाजन से संबंधित नहीं है, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन करना था दोस्तों, भारत सरकार स्वशासन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वशासन संबंधित है, मार्लो मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व संबंधित है, ये साइमन कमीशन ये गलत है, भारत विभाजन, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 किससे संबंधित है, जैसे सांप्रदायिक अधिनियम से संबंधित है, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे है, ये स्वयं शासन संबंधित है, ठीक है, प्रांतीय स्वयं सत्ता संबंधित है, ओके। मार्लो मिंटो सुधार 1909 क्या है, सांप्रदायिक चुनाव से संबंधित है, सांप्रदायिक चुनाव से संबंधित है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 से प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था 1919, ठीक है। 1861 जो है सती प्रथा का अंत किया गया था, सती प्रथा का इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या किया गया था, सती प्रथा का अंत किया गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत में क्या किया गया था, सती प्रथा का अंत किया गया था 1861 में। 1858 में ब्रिटिश शासन की शक्ति में आया, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, ठीक है। 1858 में क्या हुआ, अधिनियम ब्रिटिश शासन अब शक्ति में आ गया था, कंपनी का अधिकार को ख़त्म करके। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के किस पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। 1919 में प्रांत में द्वैधीय शासन था, द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत में द्वैध शासन लागू किया गया। निम्नलिखित शब्दों में से विचार करना है, देखिए पहले क्या आया, सी ए आया, फिर डी आया, फिर बी आया, ठीक है, सार्वभौमिक कहलाया, फिर समाजवादी आया, फिर धर्मनिरपेक्ष आया, फिर प्रजातांत्रिक आया, ठीक है। तो सी ए डी बी, पहले आया कौन, सार्वभौमिक, पहले आया सार्वभौमिक, फिर आया ए, सार्वभौमिक के बाद समाजवादी, सार्वभौमिक के बाद समाजवादी, सार्वभौमिक के बाद समाजवादी, दोनों ऐसे से शॉर्टकट याद कर सकते हैं, सार्वभौमिक समाजवादी, सार्वभौमिक समाजवादी आया, ठीक है। फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र आया, धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र आया, धर्मनिरपेक्ष के बाद फिर प्रजातंत्र आया, धर्मनिरपेक्ष के बाद फिर प्रजातंत्र आया, सार्वभौमिक के बाद समाजवादी आया, सार्वभौमिक के बाद समाजवादी। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वयं सत्ता से थी, 1919 वाला 1935 वाला, प्रांतीय देखिए ऑटोनॉमी मिला था 1935 का, ठीक है, डायरकी था व्यवस्था, द्वैध शासन था, प्रांतों को जो द्वैध शासन था 1919 था, लेकिन प्रांतीय स्वयं सत्ता किससे संबंधित है, 1935, प्रांतीय स्वयं सत्ता 1935, अब प्रांतों का द्वैध शासन है 1919, प्रांतों का द्वैध शासन 1919, अब प्रांतीय का स्वयं सत्ता 1935। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के सचिव पद का निर्मित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1858 जो सचिव पद का निर्मित किया गया था, सचिव पद का निर्मित 1858 में किया गया था।